सुबह रोड पे पुलिस को एक अनजान आदमी की लाश मिली है। यहाँ पे तो बार बार होता है, कोई पूछने भी नहीं आता है। रात में बाहर निकलने से बहुत डर लगता है सर। ये सब तो यहाँ होता ही रहता है, पिछले महीने भी मर्डर हुआ था, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? अरे रहने दीजिए। अरे रे रे रे, नहीं नहीं नहीं, बैंडेड पट्टी लगाओ, देख कर काम नहीं कर सकती हो क्या? हाँ फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। हेलो, इन जनाब को रमेश कहते हैं। बोल रहा हूँ सर, प्रॉपर्टी ब्रोकर है, घर दुकान ऑफिस ये सारी चीजें इन्होंने कई लोगों को दिलवाई हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इन्हें ब्रोकरेज नहीं दी है और उन लोगों से ब्रोकरेज वसूल करना इन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ बोलो। अब तक बोल ही रहा हूँ सर, कितनी मेहनत से आपको ऑफिस दिलाया और आपने अभी तक मेरा ब्रोकरेज नहीं दिया सर, बताइए ना कब देंगे? दे दूंगा, कभी मना किया है क्या? दे रहे, ठीक है सर, सॉरी सर, तो मैं कहाँ हूँ सर? आज स्ट्राइक है, अगले हफ्ते आ जाना। सर गवर्नमेंट से पगार लेते हैं, मोबाइल की दुकान भी खोल रहे हैं, जल्दी से मेरा भी पेमेंट कर दीजिए ना सर। जल्दी नहीं हो पाएगा। ओ ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। ऐसा है तो ठीक है सर, मुझे भी अपने तरीके से लेना आता है, मैं देख लूंगा सर। तुम्हें जो करना है कर लेना, ठीक है? आप अभी फोन रखिए सर, मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ नहीं है। पैसे नहीं दे रहा है सर, क्या लेकर आऊं? इसे और कोई काम नहीं है क्या? सुन, 3 एप्पल जूस। ओके सर। कल पियेंगे एकदम पक्का? पैसे इसका बाप देगा। तो क्या कह रहा था तू? यार पैसा तो उससे लेना ही है। ऐसे कैसे छोड़ेंगे, बहुत मेहनत की है। तो फिर कैसे लेंगे यार? मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, उससे हमें 40,000 रुपए लेने हैं ना, लेकिन वो 40 नहीं, अब हमें देगा 4,00,000 रुपए, वो भी ऐसे नहीं गिड़गिड़ा कर मेरे पैरों में गिर के देगा, ले लीजिए कह के। वो कैसे? उसके लिए एक कांड करना होगा। कांड करने से पैसे मिल जाएंगे क्या? ए कांड करना मतलब मेरे पास एक आइडिया है। यार तू क्या सोच रहा है, मैं समझ गया। तुम लोग मुंह बंद रखो वरना मैं आइडिया भूल जाऊंगा। ठीक है जल्दी बोल। उसका एक बेटा है, उसे उठाएंगे डराएंगे और पैसे वसूल करेंगे। हम लोग? हाँ हम सब। उसका बेटा ज्यादा भारी है क्या? हेलो 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 हेलो, बदतमीज कहीं का। वेस्ट ऑफ टाइम। तेरे लिए कॉलेज बंक करके यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ यार। सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, चल चल के मेडिकल से दवा लेके आते हैं। ठीक है, मेरा एक छोटा सा काम भी है साथ में, वो भी निपटा लेंगे। ठीक है चल। यार मैं तो उसके पीछे जा रहा हूँ, तू अभी निकल यहाँ से। यार इतनी भी खास नहीं है, एनीवेज तेरे लिए छोड़ रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। ठीक है मैं चलता हूँ। बाय। हे नया मोबाइल कितने में लिया? 7,000। मेरे पापा की मोबाइल की शॉप है ना, 3,000 मैंने खुद से डाल दिए। थैंक्स। दो इसे मैं ओपन करता हूँ। हे इसे तुमने लगाया? हाँ। बहुत अच्छा है। सिम कार्ड। लेट हो रहा है, चलो अब चलते हैं। पीछे पड़ा है। हाय। मेडिकल मोबाइल इन सब के लिए थैंक्स, कल ही इसके पैसे देती हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग पापा। जब तुम खुद कमाती हो तो मेरे पॉकेट में हाथ क्यों डालती हो? रख दिए पापा, आपके पैसे आपके पॉकेट में रख दिए। मैं तुमसे नहीं कह रहा था बेटी, दिव्या 2 से कह रहा था। नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हारे पैसे पक्का लौटा दूंगी। और हाँ प्लीज यहाँ रोज मत आना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार करूंगी यही सोचकर तुम यहाँ रोज आती हो ना। हाँ हाँ सॉरी,
ये भी हाथ से चली गई। क्या तुम सच में प्यार नहीं करोगी? ओके, नो प्रॉब्लम, सामने वाली को ट्राई करता हूँ। ए आदि, ए आदि रुको, आदि रुको, आदि मेरा मतलब वो नहीं था, अभी थोड़ा मुश्किल है, 2 हफ्ते रुकोगे? ओके, 2 दिन? ओके ओके, चलती हूँ, बाय बाय। जाना दिल तेरा दीवाना, दिल दिल दे मेरे यारा, जाने ना जाना दिल तेरा दीवाना, दिल दिल दे ओ मेरे यारा, ओ मेरी जाना दिल है दीवाना, ओ पास मेरे दिल को तड़पाना, ओ मेरी जाना दिल है दीवाना, ओ पास मेरे दिल को तड़पाना। कहना किसी का अब तो अपने ही धुन में रहना, मिले खुशियाँ मिले हमें गम है संग तेरे ही सहना, मरना कहना किसी का अब तो अपने ही धुन में रहना, मिले खुशियाँ मिले हमें गम है संग तेरे ही सहना, तेरे साथ जीऊँ तेरे साथ मरूँ, तुझ में ही रब दिखता रहे, मेरी बाहों में आ सीने से लिपट दूर जाए ना दिल कहता रे, दिल है दीवाना अपना यारो के संग संग रहना, हर गम को साथ में सहना अब तो है हमें, दिल है दीवाना अपना यारो के संग संग रहना, हर गम को साथ में सहना अब तो है हमें, तू जाने या ना जाने दिल ये कहे, सुन जाना तेरा मेरा प्यार सबसे है जुदा, संग तेरे चाहूँ मैं तो सेल्फी ले लूँ रे यारा, सुन ले संग तेरे चाहूँ सेल्फी ले लूँ रे। भाई देखो ना ये मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है। जब भी कभी मोबाइल हैंग हो इसे रिबूट कर दो, ऑन हो जाएगा। हाय अंकल। हाय, आप यहाँ क्या कर रहे हो, जाके कुछ बनाओ ना। लक्ष्मी यहाँ चल क्या रहा है? क्या हुआ? आधी रात को एक जवान लड़की को उसने घर बुलाया, मुझसे तुम लोगों को पूछना चाहिए था ना। किस लिए? अगर कुछ गलत हो गया तो? वो अभी भी बच्चा है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, समझते ही नहीं। सबको मेरी तरह मत समझना। ओ जाने जाना दिल है दीवाना, ओ पास मेरे दिल को तड़पाना, ओ मेरी जाना दिल है दीवाना, ओ पास मेरे दिल को तड़पाना। भाई है? मैं जहाँ बुलाता हूँ वो आती है, है? वो जहाँ बुलाती है मैं भी जाता हूँ, तो इसे प्यार ही कहते हैं ना? हाँ प्यार ही कहते हैं, लेकिन एक बार उससे बात करके पूरी तरह से कंफर्म तो कर ले भाई। ऐसा क्या? हाँ भाई पक्का काम बन जाएगा। सच में? और जरा ये जल्दी कर ले वरना लड़कियों का मन बदल जाता है। वो हमेशा इसी रास्ते से गुजरता है। यार मैंने कहा था ना ये वही जगह है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहीं से उठाना है उसे। ठीक है यार। छोटे फैन चालू कर। क्यों हवा नहीं लग रही सर? बाहर से अच्छी हवा आ रही है, फैन की जरूरत नहीं है, तू जा। वैसे भी फैन की हवा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। क्या पूछ रहा था तू? अरे यही कि उसको कैसे उठाएंगे,
कार में। नहीं समझे ना तुम लोग? इस रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालूंगा, इसे उसकी नाक पर रखने से वो 2 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। फिर तू क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा, मैं सर पकड़ूंगा, तू पैर पकड़ लेना। मस्त है यार, क्या सोचा है? तू सर पकड़ेगा, ये बॉडी पकड़ेगा, और मैं पैर पकड़ूंगा। चाहे जिंदगी भर भूखा रहना पड़े, किसी के पैर मत पकड़ना, ऐसा मेरे पिता ने कहा है। क्यों, इसे पकड़ने को बोलना? नहीं नहीं सॉरी यार, मैं किसी का पैर नहीं पकड़ूंगा। मेरी माँ पता है मुझसे क्या कहती है, जिंदगी में अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, कभी किसी का पैर नहीं खींचना चाहिए। मैं नहीं पकड़ने वाला। इस तरह तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ए, तू मुझे क्यों बोल रहा है, खुद ही पकड़ना। अरे मैं अगर पैर पकड़ूंगा तो उसे बेहोश कौन करेगा? क्यों, मैं करूंगा। ए तू ठीक से कर पाएगा? ए सुनो, ए वो मुंह है, ए ये मुंह है, ये नाक है, दोनों के बीच में कितना फासला है। ठीक है ठीक है, ओके ओके। फिर गाड़ी तू चलाएगा, जब स्टार्ट कर बोलूंगा तो स्टार्ट करेगा, स्पीड में जाने बोलूंगा तो स्पीड में जाएगा, और रोकने बोलूंगा तो रोकेगा। ओके ओके, फिर डन डन। तू भी डन। इसे क्यों चला रखा है? वो क्या है कि हम लोग पहली बार किसी को किडनैप कर रहे हैं ना, थोड़ा बिल्डअप होना चाहिए ना। अबे बैटरी खत्म हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बंद करना यार इसको। गाड़ी बैटरी पे चलती है क्या? नहीं, डीजल से। बंद कर। अच्छा। हे भगवान, लोगों को क्यों रख लिया अपने साथ में? देख वो देख वो देख वो देख। वेट। ए, वो जो लड़की जा रही ना, उसे गुलाब देगा, वो गुलाब ले लेगी और फिर वो चली जाएगी, फिर वो अकेला यहाँ आएगा, तब उसे उठा लेंगे हम लोग। कार स्टार्ट करके रखना, ठीक है? रेडी? आज मैं उसे प्रपोज करने वाला था और तू आज उसे उठा के ले जा रहा है। क्या करूँ मैं? अब क्या करें यार? भाई वो मेरी लवर को उठा के ले गए हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। आओ बैठो। थैंक यू। गुरु अंदर आ जाओ। अपना काम कर, चल चल। फास्ट फास्ट पकड़ लेंगे बॉस, फिक्र मत करो। देखा बॉस, देखा बॉस अपनी गाड़ी कैसे मस्के की तरह चल रही है। क्या हुआ बॉस? जरा धक्का मारना पड़ेगा भाई, जरा आप भी धक्का मारो ना। बॉस बोला है तो बॉस की तरह इज्जत तो दे। अरे हम लोगों को उसे किडनैप करना है और तुम लोग खुद आके बैठ गए। मैंने कहा ना, वो खुद ही आ जाएगा। भाई आप तो मुझे छोड़ के ही जा रहे थे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, पीछे आराम से बैठिए। भाई गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। आप मुझसे मत बोलिए, इनसे बोलिए। आप ही समझाओ ना। हे भगाना यार। भाई, ये तो आप मुंह से आवाज निकाल रहे हो। ये गाड़ी इतनी फास्ट चलती है, इससे ज्यादा फास्ट चाहिए तो मुंह से ही चलानी पड़ेगी। चुपचाप बैठो। भाई यहाँ बहुत जगह, यहीं आके बैठ जाओ ना। ब्रो तुम अपना काम करो ना, हम लोग को अपना काम करने दो। भाई कोई बात नहीं, आके बैठ जाओ। ब्रो अपना मुंह बंद करके बैठो ना, एक तो हमारा प्लान बदल गया, हम ऐसे टेंशन में हैं, और तुम हो कि तुम पका रहे हो। चलो इधर आओ, सेंटर में आओ, चलो इधर आओ, चलो ना इधर आओ, बैठो ना आराम से बैठो। अरे ठीक से बैठो ना, बैठो आराम से। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। थैंक्स। ठीक से दबा, बहुत आवाज आ रही है, किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। गाड़ी में बहुत फुदक रहा था, पैसा मिलते ही गला काट देंगे। किसका? तेरा। चुपचाप चल। ये
ये महाशय है राजा, बगल में जो खड़े हैं उनके असिस्टेंट हैं लोटा प्रसाद। बगल मतलब मैं पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बगल में खड़े इस कार्टून की बात कर रहा हूँ। कई साल अंदर रहने के बाद ये आज रिहा हो रहे हैं। इनका रिहा होने का मतलब है ये फिर से कोई नया कांड करेंगे। बाहर आ गए हैं तो शुरू करें। हाँ करते हैं भाई। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? पहुँचने के बाद बताऊंगा, अब चुपचाप चल। उधर पहुँचने के बाद तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा। तू इतना समझदार है इसीलिए मेरे साथ है। ये सस्पेंस पता नहीं कब ओपन होगा। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। ये है डैन, इस शहर का दादा। मारना पीटना मर्डर करना ये सब इसका जॉब है, और ये सब कुछ ये फुल एंटरटेनमेंट के साथ करता है। ये लो, लगता है भाई गुस्से में है, अब जरूर कुछ न कुछ होगा। क्या हुआ सुना है राजा, बाहर आ गए? हाँ भाई। Hey, कैसे हो यार तुम? ठीक हो भाई? ये कौन है भाई? इनका भाई पीटर है। ये अपने भाई को बहुत चाहते हैं, अपने भाई पे जान छिड़कते हैं। अरे कॉल करता मैं लेने आ जाता। कोई बात नहीं भाई, तुम अकेले आए। देखो ये सब गुंडे, इनसे दूर ही रहना, तुम्हें इनकी तरह नहीं बनना है। मेरी किस्मत में तो यही लिखा था, तुम्हें इनमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई हो गई, अब विदेश चला जा। ठीक है भाई। वही एक लड़की देख कर सेटल हो जाना और मस्त जिंदगी जीना। ठीक है, मेरी बात समझ गए? ठीक है भाई। खाना खाया? हाँ भाई, हाँ भाई। कुछ पैसे देता हूँ जी। ये ले। अब जा जा जा। भाई ये कौन है? इन्होंने भाई को बोला था कि गाड़ी यहाँ नहीं वहाँ खड़ी करो, जबकि अपना इलाका है। कौन है बे तू? एरिया का काउंसलर हूँ। काउंसलर है ना, तो मेरे भाई पे चिल्लाएगा? तो पंच में ही फोन आ गया। अब तू जा। ठीक है भाई, चलता हूँ। बाय बाय। हाँ तो राजा, कौन है ये लड़का? दिखने में अजीब लग रहा है। अपना ही आदमी है और बहुत काम का है। इस बार तो मिस नहीं होगा ना? बिल्कुल मिस नहीं होगा, इस बार जरूर हो जाएगा। वैसे हम भी ये डैनी एक गलती दोबारा नहीं करता। तो फिर दूसरी गलती करेगा क्या? अगर इस बार मिस हुआ ना तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। ऐसा नहीं होगा भाई। चल जा। भाई जेल से बाहर आने के बाद क्या करेंगे बताऊंगा बोले थे ना? हार चोरी करके एक जगह पे रखा हुआ है, उसे निकालने जा रहे हैं। उस हार को मैंने, डैनी और रेशमा तीनों ने प्लान करके चोरी किया था। सबको बराबर हिस्सा मिलने की बात हुई थी, पर डैनी ने रेशमा को गोली मार दी और मुझे फंसाकर उस हार को हड़प करना चाहता था। पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं वहाँ से बच निकला और इस समय हार मेरे कब्जे में है और मैंने उसे हिफाजत से छुपा रखा है। डैनी से तो हार मैंने बचा लिया, पर पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सका। मेरे जेल जाने के बाद डैनी ने कई जगह हार को ढूंढा लेकिन नहीं ढूंढ पाया। अगर वो बदमाश है तो मैं भी कम नहीं। केटी, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने मुझे जेल से बाहर निकाला। अब उस हार में मेरा और डैनी का ही हिस्सा है। भाई उस हार की कीमत क्या होगी? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो हार कहाँ पे है? वो भी बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये तूने अच्छा सवाल किया, चाय पीने जा रहे हैं। चल। यहाँ पे भी सस्पेंस है। हेलो भाई, लड़की को उठा लिया भाई, एकदम सेफ है। भाई को पता नहीं चलेगा ना? टेंशन मत लो भाई, भाई के कानों तक नहीं पहुंचेगा। ओके उधर ही रुक, आता हूँ मैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ दिव्या, ऐसा दिव्या से बोलना है। प्रवीणा से नंबर लिया था। मैंने तुम्हें नंबर दिया है उससे ये मत बताना, तुम्हें जो कुछ भी कहना है व्हाट्सएप पे कह देना। ओके प्रवीणा। हाय दिव्या, मैं पीटर बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं कहता हूँ तू बहुत ही अच्छी लड़की है मेरे लिए। मेरे दोस्त कहते हैं कि जब तू चलती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ तू चलती है तो गजब ढा देती है। मेरे दोस्त कहते हैं तू हंसती है तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ तू हंसती है तो मेरा दिल उड़ा कर ले जाती है। इसलिए दिव्या आई जा रही हूँ। सो देखना अभी रिप्लाई करेगी वो। अरे रिप्लाई कर भी दिया। हाय पीटर,
मैं दिव्या। अरे मेरा नाम ले रही है। हाय पीटर। यार वापस मेरा नाम ले रही है। हाय पीटर। अरे यार फिर से। अरे यार पहले पूरा ऑडियो सुन तो। सब लड़कियां कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो। मेरा मानना ऐसा है कि तुम बहुत बकवास दिखते हो। ये लड़कियां कहती है कि तुम बहुत हाईफाई हो, पर मैं कहती हूँ तुम एकदम बंदर जैसे लगते हो। सब लड़कियां कहती है सामने से प्रपोज करोगे तो तुम एक्सेप्ट करना, लेकिन मैं कहती हूँ तुम सामने दिखोगे तो मार ही डालूंगी। यार ऐसे बोल रही है। दिल टूटना कोई बड़ी बात नहीं है पीटर। उस लड़की को उठाएंगे फिर एक कमरे में बंद कर देंगे पूरे एक दिन के लिए। पूरे एक दिन के लिए। फिर तुझे जितना भी प्यार आए निकाल लेना मेरे भाई। उसके बाद वो लड़की तेरे साथ प्यार से पेश आएगी या चप्पल दिखाएगी वो तेरे ऊपर डिपेंड है। ओके ओके। लड़की को उठा लिया यार, एकदम सेफ जगह पे है। दिव्या मुझसे प्यार करेगी, मैं करवा के रहूंगा। होशियार रहना, पहचान वाला दिखेगा तो भी इग्नोर कर देना। सुन रहा है नहीं यार। इस चिंपैंजी को मैंने कहीं देखा है। अरे ये तो वही चिंपैंजी है। ये हम लोग फंस गए यार। क्यों वॉलेट घर पे भूल गया क्या? कोल्ड ड्रिंक पी के क्यों बड़बड़ा रहा है? अभी तो पीना भी शुरू नहीं किया। पीछे की टेबल से एक बंदा हमें घूर रहा है। कौन है रे? उसे पता नहीं चलना चाहिए। इससे अच्छा तो तू वैसे ही दिख लेता। ए, लेकिन ये हमें क्यों घूर रहा है? हाँ यार वो इसी तरफ देख रहा है। सुनो यार, जहाँ से उस लड़के को उठाए थे वहीं देखा था इसने मुझे। सच में? यार सच्ची में यार। अरे यार अब क्या होगा? पुलिस भी हो सकते हैं। पुलिस वाला नहीं लगता। आई थिंक सीक्रेट एजेंट होगा। अरे बाप रे। क्योंकि वो लोग ही इतने बकवास जूते पहनते हैं। अरे बोल ना यार अब क्या करेंगे? यार वो अपना हाथ टेबल के नीचे ले जा रहा है, लगता है गन ढूंढ रहा है। यार लगता है नीचे से गन निकाल रहा है। हाँ यार पहले के जैसे फंसने वाले हैं अपुन। सब खत्म हो जाएगा, 5 साल के लिए अंदर डाल देंगे हमें। ए, अपने चेहरे पे ऐसे डर मत दिखा, मेरी तरह कॉन्फिडेंट रहे ना। तू ऐसे हाथ मत हिला, समझ जाएंगे वो लोग। मैं कहाँ हिला रहा हूँ यार, ये खुद ब खुद हिल रहा है। अब हमारा काम खत्म। लास्ट चांस, वो लोग सीक्रेट एजेंट है या नहीं कंफर्म करता हूँ मैं। लगता है वो लोग प्लान कर रहे हैं। ये मैं। टू। अरे ये तो मैं हूँ यार। थ्री। ये मैं हूँ यार। इंकी पिंकी पोंकी, इंकी पिंकी पोंकी, इंकी पिंकी पोंकी। कंफर्म वो सीक्रेट एजेंट है। ए, जैसे ही मैं तुम लोगों को 1 2 3 बोलूंगा हम लोग भाग चलेंगे। 3 2 1 बोलते ही सब गायब हो जाएंगे। ठीक है 1 3 2 2 जल्दी बोल भाई जान निकल रही है। 3 1 अरे किधर हो तुम लोग? यार सीक्रेट एजेंट हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, डर लग रहा है यार। क्या बकवास कर रहे हो, उल्टे सीधे कपड़े पहनने वाले सब सीक्रेट एजेंट नहीं होते। सीबीआई को भी देख लूंगा, बस उस लड़की को कहाँ रखा है ये बता दो। भाई गांव देवी मंदिर के मेन रोड पे ओल्ड फैक्ट्री, तू जल्दी से आ जा यार। 10 मिनट में पहुंचता हूँ। यार 4 घंटे में पेंट करके कमा लेंगे, लेकिन किडनैप करके कमाने में बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सारा काम छोड़ दो यार, अभी भी वक्त है, मान जाओ यार। हाँ
हाँ यार, डर के मारे लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बॉस। इसीलिए तो डर लग रहा है। बकवास बंद करेगा या नहीं? मुझे भी डरा रहे हैं ये लोग। यहाँ ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गॉड प्रॉमिस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दिव्या। सच कह रहे हो? सच में प्यार करता हूँ। ए, वो बात नहीं है, जिन्होंने मुझे किडनैप किया उनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं इन्हें नहीं जानता। क्या करूं? आदि, यहाँ से कैसे निकलेंगे, जल्दी से सोचो। दिव्या, दरवाजा लॉक है, खुल ही नहीं रहा। क्या, दरवाजा नहीं खुल रहा है? कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं यार, मैंने तो अपने आप को ही किडनैप करा लिया। क्या भाई, इतने छोटे काम के लिए डर रहे हो? कितने बड़े बड़े काम किए हैं हम लोगों ने। लड़की को पीटर के हवाले कर देंगे, पैसा लेंगे और गोवा बैंकॉक दुबई जाके मजे करेंगे। आ जाओ जल्दी। यहाँ तक आ गए ये लोग। अगर वो लोग पुलिस वाले होंगे तो खत्म कर देंगे। कुछ तो प्लान कर रहे हैं यार, पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गए वो लोग। ए, तुम लोग क्या करोगे मालूम है? तुम लोग ना पीछे से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। चलो जाओ जाओ जाओ। वो लोग बगल में ही है। जल्दी जल्दी। ये देख, हम लोग तीन लोग हैं, तीन चाकू है, इज्जत से अपने चाकू नीचे कर। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? नीचे कर। ए, फटाफट आओ, अबे बचाओ मुझे। ये बटला ऐसे क्यों घूर रहा है? ए, कहाँ जा रहा है तू? ये बटले को लाके बहुत बड़ी गलती की मैंने। तेरे पास तीन चाकू, मेरे पास चार चाकू, अब तो नहीं बचेगा। अबे किधर जा रहा है? अरे यार, बहुत जोर की सुसु आ रही है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है यार। मैं करके आता हूँ, तब तक तू ऐसे ही रह। अरे इस शुगर पेशेंट को लाके बहुत बड़ी गलती की मैंने। अबे जल्दी करना। अरे जल्दी आना। अब जाके दिमाग काम कर रहा है। ले ये पकड़ना। ठीक है। अब तू कहाँ जा रहा है? ra 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 ra
अरे जल्दी से करके आ यार। अरे आ रहा हूँ ना यार, खत्म कर रहा हूँ। चल तू जा। ए, तू कहाँ जा रहा है? ए, तुम लोगों ने कर लिया, मेरी बारी है। तुझे बहुत टाइम लगेगा मोटे, यही खड़ा रहे। सही दोस्त। यार ये लोग सच में पुलिस नहीं है, ये लोग सीक्रेट एजेंट हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है। तेरा और उस लड़के का क्या संबंध है बता? वो तो लड़की है, फिर ये लड़का क्यों बोल रहे? तुम्हारा लड़की से क्या संबंध है ये बताओ। अरे वो लड़की है क्या? तू किसकी बात कर रहा है? 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 ए, मैं बताता हूँ, हमने लड़की को किडनैप किया है। हम लोगों ने लड़के को उठाया है। फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट रूम, फर्स्ट फ्लोर सेकंड रूम। मैंने सोचा तुम लोग पुलिस वाले हो। अच्छा तुझे पुलिस वाला कौन लगा था? यार हमने सोचा तू सीक्रेट एजेंट वाला, देखने में टार्जन लग रहा है, देखो है ना। यार हम लोगों में से सीक्रेट एजेंट कौन लग रहा है? देखने में चिक्की बेचने वाला जैसा लग रहा था, सीक्रेट एजेंट समझ लिया। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब हम सब मिलके एक हो गए। हम दोनों अगर टीम बना ले तो फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा करेंगे। हाँ करेंगे। अब अपन लोगों के मिलके काम करने का समय आ गया है। करेक्ट। कई साल से ये जगह ऐसी ही पड़ी है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। सब लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग कौन है? बगल में चाकू दबा हुआ है, इनके राजे क्या है? भाई बात क्या है, झगड़ा करना है क्या? चाकू की धार बहुत तेज है, पर तू कौन है और इस टाइम यहाँ तेरा क्या काम? ए, यही सवाल मैंने तुमसे किया है। एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो काट डालूंगा। ए, पागल है क्या? मैं तो वहीं खड़ा हूँ, तू आगे बढ़ा। ए, फटाफट तुम दोनों का सर जमीन पर गिरेगा, ठीक बोला भाई? गन भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। ए, क्या रे तू चाकू नहीं डालेगा? बोलोगे तो डाल दूंगा। क्या बोला? आप बोलोगे तो चाकू डाल दूंगा। क्या रे किस एरिया का है? भाई मैं नहीं, मुझसे बात करता है। वो लोग भाई। कौन लोग? वो लोग। हाथ नीचे, स्कूल के बच्चे हो क्या? किस लिए? पैसे के लिए। पैसे के लिए? कितने पैसे मिले? 3 लाख। 5 लाख। पांच लाख 3 लाख की रकम भी कोई रकम होती है क्या? इसके लिए किडनैपिंग? 5 लाख 3 लाख कम है क्या? पहली बार है भाई, कोई बड़ा हाथ मारने के लिए सोचा था। आप इतने ही बड़े हो तो यहाँ क्यों आए हो? अपनी कीमत बता दो। गोल्ड हार, 3 साल पहले उस हार की कीमत 25 करोड़ थी। 25 करोड़? क्या हुआ? ए, तुम्हें दिमाग है कि नहीं? 25 करोड़ बोल दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ को कौन जवाब देगा? अरे क्या हुआ तुझे यार? उठ यार, उठ 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 जा। क्या हुआ तुझे? बोल रहा था। उठ उठ। तू ठीक तो है ना भाई? प्लीज भाई मुझे अपना असिस्टेंट बना लो ना। क्या बोल रहा है? तू जा रे भाई, प्लीज भाई मुझे भी तुम्हारे जैसे लड़के चाहिए, पर एक से काम नहीं चलेगा। एक काम करता हूं, तुम सबको रख लेता हूं। कहां गए सब लोग? एक भी नहीं बचा। मैं डॉन होने के लायक ही नहीं हूं क्या? कहां गए होंगे? तो ये लोग यही हैं। क्या बोलते हो, ओके है ना? ओके भाई, पर आप कितना दोगे? कितना चाहिए? हम लोग डिस्कस करके आपको बताएं, चलेगा? ए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आ जाओ पास में। भाई ये सब क्या चल रहा है? वैसे हमें कितना बोलना चाहिए? 2 लाख के लिए बोलें क्या? भाई बोलने का तो पैसा लगता नहीं है, जो दिल में आए बोल दो यार।
वो खुद 25 करोड़ की बात कर रहा है और तुम लोग क्या 2.5-2 लाख की बात कर रहे हो। अरे कम से कम 3 लाख बोलो यार। मेरी बात सुनो, जैसा तुम लोग सोच रहे हो उतना ज्यादा मैं नहीं दे सकता। हर एक को 10 लाख दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। नहीं बस, हम लोग को 3 लाख। अपना मुंह बंद रख। ओके बॉस, ये सब मत करना। तो चलेगा ना? ओके बॉस। बॉस एक बार और बोलो। बॉस तू बोल। बॉस तू भी एक बार बोल। बॉस बॉस सब लोग मिलके बोलो। बॉस जिसने मुझे जाना, जिसने है पहचाना, खाया मेरा पंच फिर उठ नहीं पाया रे। जिसने मुझे जाना, जिसने है पहचाना, खाया मेरा पंच फिर उठ नहीं पाया रे। एक ही मैं डमी पीस दुनिया में हूँ जुदा, जो भी टकराया वो गया गया गया। एक ही मैं डमी पीस दुनिया में हूँ जुदा, जो भी टकराया वो गया गया गया। सुनो मेरी बात जरा, दिल में है तूफान भरा, पंगा जो लिया यहाँ वो तो बेमत मरा। लड़ना झगड़ना क्या, आपस में प्रेम बढ़ा। सुनो मेरी बात जरा, हे, 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 दिल दीवाना कहे प्यार जरा कर ले, दोनों की ये जिंदगानी इश्क जरा कर ले। दिल दीवाना कहे प्यार जरा कर ले, दोनों की ये जिंदगानी इश्क जरा कर ले। तेरा तेरा हो गया जाना, अरे पास मेरे आ रे, ऐसी दूरी तू ना जा रे, अरे पास मेरे आ रे। तेरा तेरा हो गया जाना, अरे पास मेरे आ रे, ऐसी दूरी तू ना जा रे, अरे पास मेरे आ रे। आ रे पास मेरे आ रे, ऐसे दूर तू ना जा रे। आ रे पास मेरे आ रे, तेरा तेरा हो गया जाना, अरे पास मेरे आ रे। जिसने मुझे जाना, जिसने है पहचाना, खाया मेरा पंच फिर उठ नहीं पाया रे। जिसने मुझे जाना, जिसने है पहचाना, खाया मेरा पंच फिर उठ नहीं पाया रे। एक ही मैं डमी पीस दुनिया में हूँ जुदा, जो भी टकराया वो गया गया गया। वो हार यहीं कहीं तो है, अगर उन लोग को भी हिस्सा देंगे तो मुझे क्या बचेगा, इसलिए दूसरा प्लान करता हूं। चलता हूं। 10 लाख चेक में मिलेंगे या कैश में मिलेंगे? अगर चेक दिया तो अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या भाई ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुम सबको भाई के साथ काम करना है, जो बोलूंगा वो करना होगा। उन दोनों को खत्म कर दो। ये क्या कह रहे हो? खत्म कर दो? अगर वो दोनों बच गए तो समझ लेना हम सब लोग अंदर होंगे। ये तुम सबके लिए एक टेस्ट है। डिस्कवरी चैनल पे जैसे शेर शिकार करता है ना, वैसे ही ये काम अगर तुम लोग करोगे तो भाई अपने साथ रखेंगे। उस हार में भी तुम लोग का हिस्सा है। जाओ काम को ठीक से अंजाम दो, मैं और भाई यहीं पे वेट करेंगे। हिस्सा चाहिए तुम लोगों को, जेल में जाके हिस्सा लेना। कहाँ फंस गया यार? Mm-hmm.
लोग जो करेंगे किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, क्या बोलते हो? हाँ भाई हाँ, अगर यहाँ काट कर डाल देंगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सही कह रहा है, हम लोग 500,000 रुपयों के लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं। करेक्ट, एकदम सही बोला। हाँ, करेंगे। करेंगे। दिव्या क्या हुआ? बिल्ली, ये कैसे आवाज थी? आधी खिड़की खुल गई, आधी रुको मैं यहाँ से आती हूँ। ये दरवाजा खोलने में मुश्किल हो रही है आदि। चलो जल्दी निकलते। अरे आदि वहां से नहीं, यहाँ से। अरे यार इधर, हाँ आओ। अरे इधर 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 वो देख, वो देख वहाँ पे, वहाँ पे बैठे। अच्छा, अरे वहाँ तो कोई नहीं यार। कहाँ गए? अरे तो डॉग दे रही है। चलो चलो, हाँ आओ आओ, चल 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 चल। अरे यार क्या कर रही है? आधे लगता है हम लोग फंस गए। कितना भागोगे? फंस गया ना? गोली मारो बस, उड़ा दो। हाँ भाई, मारी डालो। अबे धोखेबाज यार, तुम अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सब तुझे जानने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ मेरी है। उड़ा दे इस लड़के को। तुम बोलो या ना बोलो, उसको भी साथ में ठोकने वाले हैं। मैं तेरी बात नहीं मान सकता, दोनों को साथ में ऊपर भेजता हूँ। भाई मार, छोड़ दो भाई प्लीज। नहीं छोड़ दे, नहीं छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं भाई प्लीज प्लीज भाई छोड़ दे। नहीं नहीं भगवान, अरे ये क्या हो गया? आदि चलो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। चलो चलो इधर से। सब लोग मरने वाले हैं, डैनी को पता चलेगा सबको मार डालेगा। अरे किसने किया ऐसा? कौन है वो? पीटर एक लड़की से प्यार करता था, उसी लड़की से आदि नाम का एक लड़का प्यार करता था, उसी की वजह से ये सब हो गया। भाई कहाँ रहता है वो? भाई मुझे पता है, मैं उसका घर जानता हूँ, कहीं तो लेके चलता हूँ। कौन हो भाई, किससे मिलना है? अरे बेटा कौन चाहिए, किससे मिलना है पूछ रहा हूँ, और चप्पल पहन के अंदर चले आ रहे हो? हैं, आखिर हो कौन तुम लोग? मैं पूछ रहा हूँ किससे मिलना है। गायत्री फौरन पुलिस को फोन करो। क्या हुआ जी, क्या हुआ आपको? हाँ कल का वो ड्रेस बहुत अच्छा था ना। ए, कौन हो तुम? माँ, आ, 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 आ। हाँ हाँ आओ 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 रमेश आओ। क्या बात है, बिल्कुल टाइम पर आए हो, देखो तो जरा। ये क्या कर रहा है? छोड़ो से। अरे आदि, ए ये क्या कर रहे हो? भाई था मेरा, एक ही भाई था, उसी के लिए जी रहा था मैं, और उसे मार दिया तूने। अभी दर्द हो रहा है ना? ऐसा ही दर्द तुझे जिंदगी भर होगा, जब तक तू मरेगा नहीं। अब
मैं ये फिल्म देखते हुए सो गया, फिर ये सपना, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे तो ये बार बार होता है, कोई पूछने भी नहीं आता है। ये सब तो यहाँ होता ही रहता है, पिछले महीने भी मर्डर हुआ था, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। हाथ काट लिया क्या? सावधानी से तुम्हें प्याज काटना चाहिए था। हेलो सर, रमेश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। मेरी ब्रोकरेज देने वाले थे, कब दे रहे हो सर? आज नहीं हो पाएगा। हाँ आज नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो ठीक है मैं देख लूंगा फिर। ठीक है जो तुम्हें करना है कर लेना। भगवान मेरे सामने आएंगे तो कल जो होने वाला है आज ही मुझे पता चल जाए, ऐसा वरदान मांगूंगा। कल जो होने वाला है वो आज ही पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा ना पापा। कल वो लड़की क्या बोलने वाली है अगर आज ही पता चल जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। भगवान के बहुत सारे चेहरे हैं, वो एक शक्ति है, वो एक रोशनी है, वो अच्छाई भी है जो लोगों को बचाने के लिए। आज तो इसे 6 मारना ही है। आजा भाई, क्या बात है, बहुत थका लग रहा है। यार सर में बहुत दर्द हो रहा है। यार आज सुबह मैंने एक सपना देखा है, सोचा कि सपना ही है पर वो सब सच में होता जा रहा है। ये क्या बात कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैंने जो कुछ भी देखा वो सब हो रहा है। यार सपने कोइंसिडेंस की तरह होते हैं यार, कभी सच होते हैं और कभी झूठे होते हैं। वो सब भूल जा, चल खेलते हैं। फेक 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 बॉल फेक। ए तू हमेशा उधर ही मारता है। बॉल है भाई। क्या ब्रदर, हम लोग भी खेलें क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे भूत को देख लिया है? ओ लगता है तुम्हें देख लिया। लो ए आदि, बॉल दे यार। भाई जो मेरे सपने में आया था ना वो मुझे वहां दिखा। हाँ? जो मैंने सपने में देखा कहीं वो असलियत में ना हो जाए तो इसे पकड़ में आता हूँ। कल तक तो ये ठीक था। ए आदि, चक्कर क्या है, दिमाग पे चोट लगी क्या इसके? हाँ?
ए, रस्सी मजबूत है ना, उसे उल्टा लटका के मारेंगे यार। हाँ यार, मुंह पे मारेंगे, नाक पे मारेंगे, अपने पेट पे लात मारता है ना, बांध के ही मारेंगे ना। हाँ यार, अब वो फिर से नहीं मार पाएगा, डरो मत, हमको फंसाएगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उसे। भाई एक ऑरेंज जूस देना। हाँ यार, यहाँ पे जूस पीने आया था। हाँ ठीक है निकलता हूँ। आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। बस निकल रहा हूँ। हाँ ठीक है ओके, बाय 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 बाय। ए चलो रे। ऑटो वाले रुको जरा, गांव देवी मंदिर जाना है। कैसे जाऊं बेटा? गांव देवी का मंदिर सीधे जाके राइट में जाओ, पास में ही है, पैदल जा सकते हैं। हुआ? मैं आपसे हमेशा कहता था ना कि जो कल होने वाला है वो हमें आज पता चल जाए तो अच्छा होता ना। ऐसा क्या? मैंने आज सुबह एक सपना देखा, वो असलियत में हो रहा है, उसे रोकना होगा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए पापा। भूत का सपना था क्या? ऐसा कुछ नहीं है पापा। तो फिर ठीक है। आज सुबह ही आपने किसी को पैसे देने से मना किया था ना, उसको यहाँ बुला के पैसे दे दीजिए पापा। पैसा? मम्मी की चेन गिरवी रख के पैसे दे दीजिए पापा प्लीज। क्या हुआ पापा? कॉल नहीं उठा रहा है बेटा वो। ठीक है, मैं पीसीओ से ट्राई करता हूं। अरे यार, अभी फोन किसका बज गया? हेलो हेलो हेलो, मैं आदि बोल रहा हूँ। आदि? कौन आदि? आपको पैसे देने वाले थे ना वेंकट राव, उनका बेटा आदि। हेलो हेलो, प्लीज भाई बात करो। हेलो 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 हेलो, भाई प्लीज बात तो करो। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो हेलो हेलो, प्लीज बात तो करिए। ये तो मुझे ही कॉल कर रहा है, लाइन पे है। हेलो, स्पीकर ऑन कर। हेलो भाई, आप सुन रहे हैं या नहीं? हेलो हेलो भाई, प्लीज भाई घर पे आके पैसे ले जाइए ना, इसीलिए मैंने कॉल किया है। नहीं छोटे, तेरे पापा का बात करने का ढंग ठीक नहीं है, हम देख लेंगे, तू फोन रख दे भाई प्लीज। ये तो वही गाड़ी है, वही कृष्ण भगवान की फोटो भी। यार वो देख रहा है, अपने को ही देख रहा है। ए, इसको तो कलूटे गाड़ी निकाल, आज क्यों आ रहा है? अरे अपने को देख रहा है यार, चल चल ए, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, चल 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 स्टार्ट कर ना, क्या चले गाड़ी चालू नहीं हो रही यार, जल्दी चलो आ जा। हाय भाई, गुरु अंदर आ जाओ। चलेगा भाई, आप तो घर तक आ गए, पापा आपका ही वेट कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ चलिए ना। डर के मारे पेट गुड़गुड़ कर रहे हैं। पैसे भी रेडी हैं भाई, आप बोलोगे तो ये सुनेंगे, प्लीज आप बोल दो ना। ए थोड़ा पीछे लेना, क्या बात है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों खड़े हो? फ्रेंड्स है सर, बात कर रहे हैं बस। फ्रेंड्स है तो घर जाकर बात करो, सड़क पर क्यों खड़े हो? स्टार्ट करने से पहले ही फंस जाएंगे लगता है।
बस दो मिनट निकल जाएंगे सर। ठीक है जल्दी निकलो। ओके सर। ये लो बेटा बहुत अच्छे हैं, खा लो बेटा, खा लो खा लो, अरे खाओ ना बेटा। तमीज से, तमीज से, ए तमीज से। ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा है। दीदी बहुत टेस्टी है। हाँ दीदी बहुत बढ़िया है। अच्छे तो होंगे ही, पापा ने जो बनाया है। खाओ तुम लोग खाओ। ठीक है तुम लोग आराम से खाओ, मैं सबके लिए कॉफी लाती हूँ। जब तुम ब्रोकरी का पैसा मांग रहे थे उस समय नहीं था, वाइफ की चेन गिरवी रख कर लाया हूँ, पूरा पैसा है गिन लो। अरे सर हम लोग यहाँ पैसों के लिए नहीं आए है ना। हाँ सही बोला, हम लोग तो यहाँ घूमने के लिए आए थे। ये लो बेटा कॉफी ले लो। ले लो। बहुत संस्कारी परिवार है। दिनों से वो अपना मुंह बंद रखेगा। चेन गिरवी है छुड़ा लो, हमने साथ में खाया, आप तो रिश्तेदार हो गए ना, है ना भाई। अरे कोई बात नहीं है भाई, प्लीज आप ये पैसे ले लो और भाई वो किडनैपिंग का प्लान कैंसिल कर दो प्लीज। किडनैप मतलब? मैं समझा नहीं, ये छोटू बहुत मजाक करता है। बहुत अच्छी कॉमेडी है, महीने भर के लिए हंस सकते हैं। तो ही हंस ले। आप लोग कोई टेंशन मत लो, पैसे हम लोग ले लेंगे, है ना यार। थैंक्स ब्रो। कहिए। दिखने में हम थोड़े से अजीब हैं, पर दिल के खराब नहीं है। अच्छा तुम मेरे भाई जैसे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, तो हम लोग चले। चलो फिर हम लोग निकलते हैं। सर वो कब? अच्छा सर है? आपको ऑफिस या घर कुछ भी लेना हो मुझे फोन करना। फोन क्या, मैं खुद आ जाऊंगा। वो आपकी मर्जी है। ओके चलते हैं। ठीक है हाजिर है बेटा। चलता हूँ। दीदी मैं ये ले लूँ क्या? ले लो बेटा, डब्बा कल वापस कर दूंगा। ठीक है ले लो। अच्छा लड़का। अच्छा दीदी ठीक है। ए जल्दी आ रे। अच्छा हुआ उस लड़के को नहीं उठाया, अच्छी फैमिली है ना। तो फिर उनकी फैमिली को अवार्ड दे दे। दिन भर गिनता रहेगा फिर बोलेगा बैंक बंद हो गया। अरे यार चल। पापा थैंक यू पापा। ठीक है इन लोगों का प्लान क्या है? मुझे किडनैप करके आपसे पैसे मांगने का प्लान था उनका, और मैंने किडनैपिंग के पहले ही रोक दिया उन्हें पापा। बस हो गया ना अब? नहीं पापा, ऐसे ही एक लड़की को दूसरा ग्रुप किडनैप करने वाला है, ये भी मैंने सपने में देखा है। ऐसा है क्या? इसी तरह उसे भी तो रोक सकते हैं ना। उन लोगों ने लड़की को किडनैप क्यों किया था भूल गया मैं। यार अच्छे से पता है ना, यही अपार्टमेंट है ना? अरे हाँ यार यही है। सपने में भी हम ही दोनों आए थे। ऐसा क्या? उसने मुझे देखा। येलो चूड़ीदार सूट, टाइम भी करीब 9:20 का था। अभी तो 7:15 हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम है। तो चल फिर कॉफी पी करके थोड़ी देर वेट करते हैं। कौन है भाई? अरे बाबा ये तो पाइप टूट गया, ये कैसे हो गया? दिव्या रेडी हो क्या? अरे सुनो दिव्या उठ गई है, अभी तक सो रही है। 10 मिनट पहले ही मैं रेडी हो गई थी पापा। अरे वाह ये तो कमाल हो गया, अचानक सुधर गई। मैंने एम सिलेक्ट कर लिया है, उसी को पूरा करने जा रही हूँ। तो साथ में चलते हैं चलो। पापा आपने पिछले हफ्ते कहा था कि अब नया मोबाइल देंगे मुझे। पापा प्लीज, पापा प्लीज। ठीक है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है प्रॉमिस। ए हेयर स्टाइल मत खराब करना है। ओके प्रॉमिस। आजा बैठ। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर।
यार जैसा मैंने देखा था यही उसका घर है। भाई आसपास सुलभ शौचालय है क्या? क्या यार सुबह सुबह कहां से आ जाते हैं ये लोग? जा जाके रेल की पटरी ढूंढ ले। ए आदि चल यार, बहुत उसका वेट कर लिया। चल यार चल भाई, 7 बजे आए थे, 10 बज रहे हैं इस समय। क्या यार कब तक खड़े रहेंगे यार? गम ओ सनम, मेरा गम बन गया तेरे बिन, मैं अकेला रह गया। तुझे ढूंढे नजर तू कहाँ है बता, तेरे बिन जीना मुश्किल हो गया। इसमें उसका कौन सा फ्लैट है कुछ पता है तुम्हें? यार वही तो नहीं पता है। अबे तो सपने में घर भी चला जाता। यार सपने में अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, जो दिखा मैंने बताया। तेरी चाहत में डूबा तू है मेरी महबूबा, जाने क्या दिल में टूटा तू ही जाने। यादें तेरी मुझको पल पल सताए, तेरी बातों में क्या जादू कोई ये बताए। तू घर जा, कल देखते हैं। जा। आदि जिसने अपने से फोन लिया था उसका फोन खराब हो गया है, मैं उसका नंबर देता हूँ, तुम जाके उसका फोन बना दो। बनाओगे ना? ठीक है पापा, जाता हूँ। तो बिना बोले आ जाते। आप ही आदि हो क्या? हाँ। बैठिए ना, मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है, क्या हो जरा देखो। ये बहुत अच्छा है। हाँ। फोन जब भी हैंग हो रिबूट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। थैंक्स। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, उसे सुन के डरना मत। हाँ? आपको कोई किडनैप करने वाला है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके प्लीज मेरी बात मानिए। मानने जैसा होगा तो मान लेंगे, मोबाइल तो आपने ठीक कर दिया, आपको कुछ और बात करनी है? पूरी बात डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, 2 मिनट के लिए जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, मेरी बात पे भरोसा करो। वो जो उस टेबल पे बैठा है ना, वो अपने अपोजिट में बैठी हुई लड़की का मोबाइल चोरी करने वाला है। उधर वो जो बच्ची है ना, वो बच्ची ही उसको पकड़ेगी। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात मानिए। सुन रही हूँ। वो देखने से चोर जैसा तो नहीं लग रहा है, और वो बच्ची उसे उड़ के पकड़ने वाली है क्या? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप खुद ही देख लीजिए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हे मेरा मोबाइल, चोर पकड़ो उसे, मेरा मोबाइल लेके भाग रहा है। ये सब क्या आपका ही प्लान है? अगर अब भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो 2 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलो। अब देखना, एक रेड कलर की कार आके रुकेगी। किधर, कहाँ है वो? ए वहां देख कार। हाँ कार तो आ रही है। हाँ
इसमें से दो लोग उतरेंगे। वो आके तुम्हारी स्कूटी की हवा निकाल देंगे। हाँ, वो स्कूटी मेरी है। मैंने कहा था ना, जब आप गाड़ी को ढकेल के लेके जाओगी तो वो आपको लेके जाएंगे। मुझे क्यों लेकर जाएंगे? मुझे नहीं पता, आप अपने पापा से पूछिए, क्या पता उनकी कोई बिजनेस प्रॉब्लम हो, वो उसे सॉल्व कर दे, इससे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैसेज करो उन्हें। और मेरी स्कूटी? मेरा फ्रेंड तुम्हारे घर पहुंचा देगा। थैंक्स। बाय। ओके बाय। हेलो। हाय। हाँ बोलो दिव्या। मेरे घर पे आ सकते हो क्या? कब? अभी। मैं अभी आता हूँ। ना 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 ना। कौन सा फ्लोर? क्या हुआ? तू कहाँ जा रहा है? तू निकल यहाँ से। तेरे साथ चल रहा हूँ यार। पहले मैं जाके पहचान बनाना चाहता हूँ, उसके बाद तुझे लेके चलूँगा। संभल के जाना। हाँ साथ चलने के लिए मैं, लड़की से मिलने के लिए तू अकेला। अच्छा है। हाय। हाय। अंदर। स्कूटी की चाबी। थैंक्स। अंकल आप बात करने वाले थे पर मार क्यों रहे हैं? कौन है बे तू? सच सच बता, कितने लोग हैं तेरे साथ? बोल। माँ। बोल कितने लोग हैं? ये सब क्या है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मारेंगे नहीं तो क्या उसकी पूजा करेंगे? ऐसी बात नहीं है मम्मी, तुम अब कुछ मत बोलो। सब तो भूल ही गया हूँ, अपने सपने के बारे में इन्हें कुछ बताऊंगा तो ये मानेंगे ही नहीं। अब क्या करूँ? कार पार्किंग के पास तीन लोग किडनैपिंग की बातें कर रहे थे सर, तभी मैंने ये सब सुन लिया सर। ये डिटेल्स भी मुझे उन्हीं से पता चली। और उनके नाम? उनका नाम क्या? क्या नाम है उनका? वही बताने वाला था लेकिन आपने अचानक से पूछ लिया तो मैं भूल गया। अगर मैं उन्हें कहीं देख लूंगा तो पहचान जाऊंगा सर, पर सच में मैं उनमें से नहीं हूं सर। सर कॉलेज से पता चला ये अच्छा लड़का है सर, घर का एड्रेस भी सही है, पेरेंट्स भी घर पर ही रहते हैं, पूछताछ किया मैंने, शरीफ फैमिली है। ये लड़का फ्रॉड नहीं लगता, डर के मारे सब भूल गया है, परेशान मत होइए, अभी तो छोड़ रहा हूं। ओके, लेकिन उसका नाम याद आ जाए या उसे देखो तो तुरंत मुझे बताना। ठीक है सर। अब जाओ यहां से। क्या यार अपने से लड़की नहीं पटेगी क्या? पहचान बनाने गया तो फटके खा करके वापस आ गया। देख वो पुलिस वाला है इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूं, वरना मुझे भी गुस्सा बहुत आता है। उसने जैसे ही मारा मैं सब भूल गया यार। अब तू टेंशन मत ले यार, घर पे जा, आराम से बैठ कर सोच, सब याद आ जाएगा, उसे पकड़ लेंगे अपन। बोलो दिव्या। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। देखो ना ये मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है। हाय। हाय। सॉरी आदि, कुछ पूछने के लिए बुलाया था, पता होता वो मारेंगे तो कभी नहीं बुलाती। दर्द हो रहा है? अब नहीं है। चले मैं फोन करके आने वाली थी पर मैं ऐसे ही आ गई, तुम गुस्सा मत होना मुझ पर। मैं अब चलूं आदि?
ठीक है जाओ। पापा, अरे तुम गाड़ी लेकर चले गए, मैं कैसे बाहर जाऊंगा? मैं आ रहा हूँ ना पापा। एक काम करो, पार्टी के ऑफिस जाओ, पैसा देंगे लेकर आ जाना। ओके पापा, जल्दी जाओ। भाई हाँ आ जाओ छोटे, तुम्हारे पापा फोन किए थे, थोड़ी देर यहीं पर बैठो, पैसा लेकर जाना, बैठ के इंतजार करो। ओके भाई मैं वेट करता हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ? तू इमीडिएट मोबाइल शॉप पे आएगा क्या? क्यों क्या हुआ? एक छोटा सा काम है, 200 का स्क्रैच कार्ड डलवाना है। अच्छा तू उधर ही रुक, मैं आता हूँ। आई एम वेटिंग। इसका डिस्प्ले चला गया है, ठीक हो जाएगा क्या? बताइए सर, इसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, करवा दूँ क्या? हाँ कर दीजिए। आधा घंटा लगेगा, वेट कर सकते हैं? हाँ चलेगा। ठीक है बैठिए। आदि हाँ भाई, लगता है पैसा आने में टाइम लगेगा, मैं खुद जाके लेके आता हूँ। अगर कोई फोन करता है तो काम क्या है पूछ लेना, मैं पैसे के लिए इंतजार कर रहा हूँ ये मत बोलना। ठीक है मैं बस जाकर आता हूँ, तुम ही इंतजार करो, मैं तुरंत आया। हाँ हाँ देखते देखते वही प्ले करना। अरे हेलो किधर है यार? यार मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है मैं निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है भाई कल देख लेंगे। हाँ
लीजिए सर, तैयार हो गया, चेक कर लीजिए। अरे पीटर, लड़की उठाना कंफर्म है तो खर्चा होगा, पैसा है क्या? पैसे की टेंशन नहीं है, फोन करके मंगा लूंगा। हेलो। हेलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? ओए तू कौन है बे? अरे तुमने कॉल किया है तो तुम ही बताओ ना कौन हो। मैंने बोला फोन उठाने के लिए। यार कॉल तो तुमने किया ना। ए, तू जानता नहीं मुझे, कौन है तू बता। तुमने पहले कॉल किया है तो तुम ही बताओ। ए, उधर ही रुक, आता हूँ मैं। अरे आना, दिमाग खा रहा था, खुद ही कॉल किया और मुझसे पूछ रहा है कि कौन है तू। तूने फोन उठाया था ना? हाँ। बहुत बड़ा गुंडा है क्या? जरा हमें भी दिखा। पीटर से तू फोन पे ऐसे बात करेगा क्या? ए, ज़्यादा बोल मत। पीटर, पीटर, क्यों फालतू में झगड़ा कर रहे हो? आखिर हुआ क्या? पूछा कौन है तो उल्टी सीधी बात की मुझसे। भाई आपने ही तो बोला था किसी अच्छा, को कुछ ये बात है। समझा दो भाई। पीटर, मैंने ही ऐसे बोलने के लिए उसको बोला था। भाई आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पीटर कौन है पता है? डैनी का भाई है, अभी के अभी तुमको यही डाल दूंगा। छोड़ना यार, भाई के सामने ऐसा करेंगे क्या? जाने देना भाई। भाई चलो ठीक है, ठीक है, सब देख लेंगे। ये लो छोटे, पहले पैसा लेकर जाओ, पापा को दे देना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। एरिया में छोड़ो ना यार, कितनी बार तुम लोगों को समझाऊं, जाने दो उसे। एक बार और बोल। उसका नाम पीटर है सर, और उसके भाई का नाम डैनी है सर। एक बार और बोल। उसका नाम पीटर है सर, और उसके भाई का नाम डैनी। पीटर ने मुझे प्रपोज किया था, मैंने मना कर दिया। एक बार प्रपोज किया था सर, उसने मना कर दिया था। अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगा सर। भैया को मत बताइएगा सर, वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं सर, प्लीज सर। सर अपने पहचान वाला ही है, दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा, मैं इसे संभाल लूंगा। दोबारा ये गलती मत करना, समझा? ओके सर। किसने बताया ये सब? वो सब तू क्यों पूछ रहा है? तुम लोगों की कुंडली कोई बता रहा है? सुधर जाओ नहीं तो अंदर हो जाओगे। पहले उसी को उठाएंगे। हाय। हाय आदि, एक गुड न्यूज है और तुम्हें थैंक्स। वो क्यों? इंस्पेक्टर ने पापा को कॉल किया था, पीटर को अंदर कर देंगे ऐसी धमकी भी दी उन्होंने। ऐसा क्या? डर गया है वो, उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी, अब ऐसा नहीं करेगा। अच्छा हुआ तुम नहीं आते, तो शायद कुछ और बुरा होता। पर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वक्त आने पे मैं बता दूंगा, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ हाँ, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, उसके बाद से ही तो इतना अच्छा हुआ। हम सब साथ में फिल्म देखने चले क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे घर वाले ढूंढेंगे। अरे दो तीन घंटे की तो बात है। मैंने मना किया ना, तुम चलो। बाय। कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही है, लड़कियों पे भरोसा नहीं कर सकते। कल जाएंगे फिल्म देखने। बोला था ना भाई, अच्छी है ना? हाँ चल भाई, आज का दिन ना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। अरे यार तेरे सपने की वजह से मेरा भी लव सेट हो गया है, इसके लिए बहुत थैंक्स यार। तू ऐसी सपने देखा कर, मेरी भी चांदी रहेगी। ओके आदि, बाय बाय। ये क्या है पापा? अरे आदि, ऑफिस में जो गिफ्ट मिला था ये वही है। ऐसा क्या? ओपन करो जरा। अच्छा है जी। अच्छा है ना, किधर रखूं इसे? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये जगह एकदम परफेक्ट है। किधर जा रहे हो? आदि तुमसे पूछ रहा हूँ, पूछो जरा कहाँ जा रहा है। अरे आदि बता के जाओ बेटा।
हथियार ही आया ना, बाकी कुछ तो नहीं हुआ ना। गलत तो अब होने वाला है यार। हम ये सोच रहे थे कि हमने सब रोक दिया है, पर दूसरे रास्ते से सब कुछ वही चल रहा है। सपने में मैंने दिव्या को एक मोबाइल लेके दिया था, और सच में भी दिव्या वही मोबाइल यूज करती है, पर मैंने वो उसे नहीं दिया है। दिव्या को हम लोगों ने कितना ढूंढा पर वो नहीं मिली, लेकिन एक सिचुएशन ने आखिरकार मुझे दिव्या से मिला ही दिया। पीटर को भी हमने कितना ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिला। आखिरकार फोन पे झगड़े की वजह से वो मुझसे मिल ही गया ना। सब कुछ वैसे ही हो रहा है, और जिस तलवार को मैंने सपने में देखा था, उस तलवार ने भी मेरे घर का पता ढूंढ ही लिया। डैनी भी आएगा, सबको मार देगा। पापा, मम्मी, सब लोग मरने वाले हैं, इसलिए वो हथियार भी मेरे घर तक पहुंच गया है। अगर हम लोग घर में छुप के रहेंगे तो भी जो होना है वो होके ही रहेगा, वो चाहे कैसे भी हो। यार डैनी किसी को नहीं मारे, यही ना? हाँ। तो फिर पीटर भी नहीं मरना चाहिए। पीटर नहीं मरना चाहिए मतलब राजा बनी उसको गोली ना मारे। ये राजा बनी इधर क्यों आएगा? उसने चोरी किया हुआ हार छिपा के रखा है, राजा उसे ही निकलवाने आ रहा है। यार राजा बनी आएगा तो ही पीटर को गोली मारेगा ना। अगर वो आया ही नहीं तो जरा सोच क्या होगा। राजा बनी गोली नहीं मारेगा तो फिर पीटर भी नहीं मरेगा, डैनी भी किसी की जान नहीं लेगा, सब लोग सेफ। पर कैसे? ये आइडिया उसी के स्टाइल में बाद में बताता हूँ। उसके पहले हम लोगों को राजा मणि का नंबर ढूंढना होगा। ओल्ड फैक्ट्री से कल रात में हार निकालना है। हाँ? वो फैक्ट्री कहाँ भाई? पहुंचने के बाद बताऊंगा, अब चुपचाप चल। हाय। हाय। उसका नंबर मिल गया है बहुत मुश्किल से, जेल वार्डन को पैसे देके। नोट कर लू। 98402। अब कौन है? कौन है भाई? क्या मालूम, बात करो ना भाई। हेलो, राजा मणि बोल रहा हूँ। हाँ, तेरा हार मेरे पास है। कौन सा हार? रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, नंबर सही है, तू राजा मणि है ना? 6 तारीख को जेल से रिलीज हुआ है। उस हार को मैंने ओल्ड फैक्ट्री में छुपा के रखा है। उस हार को तूने MM ज्वेलर से चोरी किया था ना, अब वो हार मेरे पास है। ए, तू जो बोल रहा है वो सच हुआ ना? तो तू बचेगा नहीं, पता है किससे बात कर रहा है तू? अरे तुझे तेरा हार नहीं चाहिए क्या? तू ओल्ड फैक्ट्री में नहीं आएगा, मैं जो जगह बताऊंगा तू वहां पे आएगा, तेरे हार को कुछ भी नहीं होगा। क्यों, मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता है? पागल हो गया क्या तू? अगर ऐसा होता तो वो तेरा फोन ट्रेस करके तुझे कब का उठा चुके होते। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर तू मुझे हार क्यों देगा? उन सबके पीछे एक रीजन है, मैं 4 जाने बचाना चाहता हूँ। गलती से तूने कुछ किया ना तो देख लेना, डैनी को ये बात पता चल गई ना तो तेरी फैमिली में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, ये बात समझ ले। तेरी फोटो और मुझे कहाँ आना है ये सब मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। यार तूने जैसा कहा मैंने किया, लेकिन वो हार कहाँ है हमें नहीं पता। झूठ बोल के तो हमने उसे बुला लिया, जब वो हार मांगेगा तो हम उसे कहाँ से देंगे? अरे यार उसके आने के बाद बताता हूँ मैं। क्या भाई, हार को किसी और ने चुरा लिया? भाई यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे लगता पुलिस आसपास होगी। अच्छी तरह से देखना, कोई गलती ना हो। ओके भाई। भाई वो आ गया भाई, उसके साथ एक लड़की भी है और एक लड़का उसके साथ में है। आप आ जाओ भाई। अभी आता हूँ। हे, आगे का प्लान क्या है ये तो बता। भाई है ना? हाँ भाई। यार राजा मणि आ रहा है, वो आकर इधर ही रुकेगा, तुझे देखेगा और तू उसको देखेगा, फिर वो पूछेगा हार किधर है। बिना झिझके उसके दोनों पैर छू लेना और बोलना कि भाई मेरे पास हार नहीं है।
जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं बोलना, एक्टिंग करनी है। भाई मेरे पास हार नहीं है, सच कह रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको झूठ बोलकर बुलाया था, मेरे मम्मी पापा की जान आप ही बचा सकते हैं, ऐसा बोल के रो लेना। जब तक वो माफ नहीं करेगा उसके पैर मत छोड़ना। ये है तेरा आइडिया? यार कितना भी बड़ा डॉन होगा उसके पैर पकड़ लेगा ना तो डरपोक समझ के छोड़ देगा। ऐसा हो सकता है क्या? अरे पक्का होगा यार। सुन राजा मनी आ रहा है, तैयार हो जा, पैर पकड़ लेना उसके। ये तो डैनी का भाई पीटर है। हाँ भाई, डैनी ने फिर अपनी औकात दिखा दी, अपने भाई को भेजकर हार लूटना चाहता है। डैनी तेरा भाई तेरी जान है ना, पहले उसी को टपका था। रमेश भाई हमारी हेल्प करो, रमेश भाई। क्या हो भाई? अच्छा चल 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 चल। अबे क्या कर रहा है, और तेज चला ना। अरे चला तो रहा हूँ, और कितनी देर चलाऊँ। क्या हो गया भाई, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तू है अपना मुंह बंद रख ना। भाई आप जब देखो तब मुझे मारते ही रहते हो, लेकिन हार तो कोई और लेके गया। कोई है घर में? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, क्या बात है? वो भाई पीटर है ना, वो अपने दोस्त के लड़के आदित्य और लड़की को किडनैप करके कार में ले गया। मुझे छोड़, क्या ले जाके गटर में फेंक दे इसे। ठीक है भाई, तू इधर आ। यही बताने के लिए आया था भाई। इधर आना। मारने वाले तो नहीं है कहीं? तेरा नाम क्या है? नाम तो आदित्य है पर हम तो आदि। अरे बाप रे भाई, बात करने के बजाय मार क्यों रहे हो? भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया आपके भाई ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ भाई। किया था उसे पकड़ेगा, उसे ऐसे ही छोड़ देगा। अरे शर्ट लेकर आ। अरे बाप रे कितना हमारा गाल चल रहा है, सारे निकम्मे हैं। अरे बाप रे ये बहुत मारा। गाड़ी निकाल यार, मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है। क्या कहा तूने, तू उसका फ्रेंड है ना? फ्रेंड है तू? चल चल अभी देखता हूँ तुझे, चल। आइए बैठ, चल बैठ गाड़ी। आइए भाई आइए, छोटे की बुराई करने चले आ। बैठ रहा बैठ रहा। अरे बाप रे इस टाइम पे कौन फोन कर रहा है? स्पीकर पे रख। भाई गांव देवी मंदिर की गली ओल्ड फैक्ट्री, जल्दी से आ जाओ, उसके भाई को भी साथ लेकर आना। चलो चलते हैं। दिव्या आदि, उधर एक खिड़की है ना? हाँ है। देखो वहां पे चाकू होगी। हाँ पर तुम्हें कैसे पता है? अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? अभी एक बिल्ली आएगी, उसके आते ही हम निकल जाएंगे। बिल्ली आएगी? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ दिव्या मेरी बात मानो प्लीज। अरे यार वहाँ चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। बस ऐसे ही है? क्या हो? अरे ये आवाज कैसी? कौन है ऊपर? क्या हो रहा है? आओ दिव्या इधर से। किधर जा रही? रुक जा। नहीं पीटर उसे छोड़ दे। मैं भी वही बोल रहा हूँ, उसे छोड़ दे। नहीं तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ए मैं इसके लिए 1.5 साल अंदर रहा हूँ। मैंने भी बहुत इंतजार किया है, बहुत प्लान किया मैंने, मेरी जान है वो। ए वो मेरी भी जान है।
हे, मैं तो अभी जवान हूँ, तू इस उम्र में ये सब क्या करेगा? भाई इसमें उम्र की क्या बात है, वो मुझे चाहिए बस। भाई इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, मार दूं क्या? कहो तो 50-50 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ए, ऐसा मत बोल, पूरा का पूरा सिर्फ मेरे लिए। क्या कहा, तुम्हें पूरा चाहिए क्या? सुन ले पीटर, जिद छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। भाई मार दूं क्या? ए, तो मैंने हाथ में क्या चम्मच पकड़ी हुई है, मैं शूट नहीं कर सकता। ए राजा, अगर मेरे भाई की बात नहीं मानी तो सब मरोगे। नहीं डैनी, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चला दूंगा। सब निकलो यहाँ से, मैं कहता हूँ जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं डैनी, बात सुनो। मार दूं क्या? नहीं दिव्या, मेरी बात सुनो दिव्या। छोटे छोटे, तू ठीक तो है ना? बोल ना, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? आदि आदि, क्या हुआ आदि? आदि नहीं दिव्या, मेरी बात सुनो दिव्या। हे आदि, कुछ बोलो ना। कुछ नहीं बोल सकते, ये नहीं मरेगा। उठाओ इसे, उठाओ, जल्दी से जाओ, हॉस्पिटल ले चलते। उठाओ, आदि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, चलो ले चलो। डॉक्टर, वो मुझे जिंदा चाहिए, सुन लिया? डर मत, किसी भी तरह से उसकी जान बचा ले। जा जा जा, जा। पेरेंट्स कौन है यहाँ पे? हम हैं। मरीज सीरियस है, आप इन्हें जीएच लेके जाइए। क्या बोला तूने? उनकी जान को खतरा नहीं है, एक हफ्ते में स्पेशलिस्ट को बुला के गोली निकाल देंगे। डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाकर मिल लीजिए। बेटा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सॉरी बोली से। सॉरी ब्रो, सॉरी दिव्या। सॉरी सिस्टर, हमसे गलती हो गई। जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें बहुत फिक्र है तुम्हारी। ए, ये बता हार कहाँ है? ये बात नहीं कर सकता भाई, बात नहीं कर सकते। लिख सकता है क्या? लिख के देगा? अच्छा लिख के बता दे। भाई पेन नहीं चल रहा है। बेवकूफ, हार हमारे पास नहीं है, जहां था वहीं पे है। अरे वाह, कोई बात नहीं, चलेगा सेठ। ए रहने दे, हम लोग सुधर गए हैं सेठ। सुधर गए, ठीक है। ये डिजाइन आप पे बहुत अच्छा लगेगा। एक हार दिखा करके पूरी दुकान लूटने का इरादा बनाया है, क्या एक्टिंग कर रहा है यार। चुप नहीं रह सकता। लगे रहे, लगे रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के बहुत सारे चेहरे हैं, वो एक शक्ति है, वो एक रोशनी है, वो अच्छाई भी है, जो लोगों को बचाने के लिए खुद की जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, वही भगवान का गुण है। वैसा गुण आ गया तो शरीर को आत्मा कैसे भी करके बचा लेती है, वही भगवान का गुण है, वही हम सबको सीखना है। तेरे लिए मैं वेट कर रहा था। सॉरी सर। पीटर ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने सॉरी। जिसने मुझे जाना, जिसने है पहचाना, खाया मेरा पंच फिर उठ नहीं पाया रे। ठीक है, तू जा, मैं आता हूं। जिसने है पहचाना,
खाया मेरा पांच पेड़ नहीं पाया रे। एक ही टकराया वो गया गया गया। एक ही मैडम पिस दुनिया में हो जुदा, जो भी टकराया वो गया गया गया। सबको साथ में भेजता हूँ। बैठो दिव्या, रहने दीजिए। आओ बैठो। सुनो मेरी बात जरा, दिल में है तूफान भरा, पंगा जो लिया यहाँ वो तो बेहद मरा। लड़ना झगड़ना क्या, आपस में प्रेम बढ़ा। सुनो मेरी बात जरा, हे प्यार जरा कर ले, दो दिन की जिंदगानी इश्क जरा कर ले, दिल दीवाना कहे प्यार जरा कर ले, दो दिन की जिंदगानी इश्क जरा कर ले। तेरा तेरा हो गया जाना, अरे पास मेरे आ रे, तुमसे ना दूर तू ना जा रे, अरे पास मेरे आ रे। मेडिकल वो इंस्पेक्टर क्या तेरा हो गया जाना, अरे पास मेरे आ रे, ऐसे दूर तू ना जा रे, अरे पास मेरे आ रे, अरे पास मेरे आ रे, ऐसे दूर तू ना जा रे, अरे पास मेरे आ रे। तेरा तेरा हो गया जाना, अरे पास मेरे आ रे। गाड़ी बंद हो गई। अरे ये क्या, जिसने मुझे जाना, जिसने है पहचाना, खाया मेरा मैं तो जाना चलूंगा, क्या कर रहा है। जिसने मुझे जाना, जिसने है पहचाना, खाया मेरा पंच फिर उठ नहीं पाया रे। एक ही मैडम पिस दुनिया में हो जुदा, जो भी टकराया वो गया गया गया। एक ही मैडम पिस दुनिया में हो जुदा, जो भी टकराया वो गया गया गया।